एडेप्टेशन के बाद होती है, नॉर्मल रूप में एडेप्टेशन क्या होती है, आई मीन व्हेन यू अटैच अ डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जब आप अटैच करते हैं तो क्या मतलब होता है कि ये वैलिड है, इट ठीक। एडेप्टेशन नॉर्मली हमारे यहाँ इसी तरह से मीन से यूज होती है, लेकिन एडेप्टेशन से मुराद कंप्यूटर उसमें लिया जाता है, एक ऑथेंटिकेशन होती है, एक ऑथोराइजेशन होती है, और एक क्या होती है आपके पास थर्ड डायमेंशन क्या है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन से मुराद होती है आप किसी चीज को अटेस्ट करते हैं कि हाँ ये सही तरीके से फंक्शन कर रही है, राइट। तो टीटीएम में हमारे पास तीन तरह की एडेप्टेशन जो है वो मौजूद है। हमारे पास एक जो टीटीएम की एडेप्टेशन है उसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास लोग भी होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, सारे लोग होते हैं, क्लाइंट प्लेटफॉर्म को भी। दूसरा मेन जो रीजन थी वो थी पीसी। हमारा पीसी नहीं होता, इंटरनेट के ऊपर जो तकरीबन 90% कंप्यूटर है वो पर्सनल कंप्यूटर है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और तीसरी चीज है सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन से लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो इवन एंटी वायरसेस हैं या और सिक्योरिटी की फायरवॉल्स हैं जो कुछ भी हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, उनको हार्डवेयर बेस के साथ कनेक्ट करना है। अब हार्डवेयर बेस में जैसे ही आप आते हैं तो आपको पता है कि क्रिप्टोग्राफिक को प्रोसेसर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी मेन रीजन दो प्रॉब्लम है, क्या क्या है, कॉस्ट और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेगुलेशन, उनको लाया नहीं जा सकता। और कॉस्ट पहली चीज है, मतलब आप मैंने आपको बताया कि करीब कंप्यूटर आपको 50,000 में मिलता है और डीजीएम के साथ 70,000 में मिले तो आप कौन सा लेंगे, 50,000 लेंगे, right? So if a user is given a choice to be convenient and security, user, ordinary user, and we are targeting ordinary user, so we get that by client platform, right? In any way. So एक और concept आज हमने सीखा वो RDR, RTM और RTNS. Root of trust for storage, root of trust for measurement, root of trust for reporting. रिपोर्टिंग और स्टोरेज जो है वो क्या कौन करता है, टीटीएम। और जो मेजरमेंट है वो हमारे पास स्कोर भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है, और डायनामिक भी मैंने आपको बताया, डीआरटीएम भी बता दिया और सीआरटीएम जो है वो भी मैंने बताया। और उसके अलावा हमने टीटीएम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी देखा, उसको देखा। तो ये आज टीटीएम का बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके पास, टीटीएम में क्या कर सकता है, ठीक है। अगले आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है हम देखेंगे कि हमारे पास डीटीएम में एडेप्टेशन किस तरह से हो सकती है, ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन के लिए क्या यूज हो सकता है, राइट। और फिर इंशाल्लाह हम इसके एडेप्टेशन के आने के बाद ये किसी चीज और वर्कशॉप में कंक्लूड करेंगे। हमारे पास पहले एक चीज और वर्कशॉप है, जैसे ये रिमोट ओनरशिप का थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट ये कंफ्यूज, मतलब ये रिमोटली लॉगिन करके ओनर ओनरशिप देता है कि हाँ, मैं ये बात आपकी बात से मुझे याद आ गई, जब मैं आपको बताना चाह रहा था उसकी नया एडेप्टेशन ही बताना चाह रहा था। टीटीएम में एक ओनर होता है, बाकी सारे ऑर्डिनरी यूजर। ऑर्डिनरी यूजर के पास पासवर्ड है, हर प्रोटेक्टेड कैपेबिलिटी, किसी ने सीलिंग करनी है उसके पास उसका पासवर्ड, किसी ने बाइंडिंग करनी है उसके पास उसका पासवर्ड, हमें जान एक ओनर होता है। तो वो ओनरशिप रिमोटली ली जाती है, उसको अपना पासवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टीटीएम आपको अलाउ करता है कि आप उसको ओनरशिप जो है उसकी ले सकते हैं, ठीक है, बगैर पासवर्ड। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप लेंगे तो आपको वो पुराने वाला पासवर्ड जो है वो मिलेगा। इनका क्वेश्चन ये था कि मतलब रिमोट की ओनरशिप लेने का क्या मकसद है, तो उसमें मतलब मैं ऐड कर दूँ थोड़ा सा कि मतलब टीटीएम की एपीआई जो है वो मतलब वेब सर्विसेज के थ्रू इवन अवेलेबल है कि आप रिमोटली जो है टीटीएम की फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं या अपने टीटीएम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो उन फंक्शनैलिटीज़ को मतलब आप रिमोटली एक्सेस करने का मतलब वही है कि जी आप रिमोटली किसी वेब सर्विस के थ्रू जो है आप अपने टीटीएम को एक्सेस करते हैं और उसको कोई कमांड जो है वो आप दे सकते हैं,
तो वो ओनरशिप लेने का मतलब ये है कि अगर इनेबल है तो आप उस ओनरशिप वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिमोटली बाय कॉलिंग दैट पर्टिकुलर कमांड फ्रॉम ए रिमोट कंप्यूटर बेसिकली। मतलब आप एक कंपनी में हैं, आप एम्प्लॉई हैं, मैं स्टेक होल्डर हूँ, तो मैं आपके सिस्टम पे कंट्रोल हूँ, ओनरशिप और वो तमाम फीचर जो कि ओनर सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता ओनर एक हो सकता है है, ओनर सिर्फ एक होता है। हाँ ये हो सकता है कि ओनर का पासवर्ड चार बंदों के पास है, तो चार ओनर है, लेकिन ओनर होता है एक है आपके पास, यानी ओनर का पासवर्ड एक होता है। मतलब भी कोई और रिसेंटली देखो तो बायोस वगैरह से या कुछ अगर जैसे कुछ पीपीएम को एक भी एक्टिवेट करना चाहिए तो ओनरशिप खत्म या सीज हो जाएगी ओनरशिप तो रहती है, ओनरशिप उसकी पीपीएम भी रहती है। चलता है कि नहीं। डीबीएम की चंद फंक्शनैलिटी में उसमें भी मैंने पढ़ा ये है कि जो उसकी रिकॉर्डिंग की फंक्शनैलिटी होती है वो रहती है, मेजरमेंट नहीं करता, मेजरमेंट सॉरी स्टोरेज नहीं करता, लेकिन थोड़े से मतलब ऐसे कंफ्लिक्टिंग किस्म के हुआ ना, किसी जगह पर आपको इनेबल डिसेबल का एक मतलब मिलता है, लेकिन बट ये इसी तरह से जो है इसकी कुछ मतलब ईसाई डॉक्यूमेंट जो समझने के लिए आसान होती है ये चीजें जरा इंसान मेरे ख्याल से ये किताब जो है किताब है एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट इसको कहते हैं कि जो उन लोगों ने लिखी है तो जो मेन एचपी की किताब है, लेकिन मैं अपने सीधे से ये कह सकता हूँ कि मुझे उन्होंने कहा था आईफन ये बेस्ट किताब है, हालांकि उस पर जीवन ये जो नहीं है प्रैक्टिकल गाइड टू लर्निंग कंप्यूटिंग ये चीज